If you want to live a close walk with the Lord and get united with God Almighty, अगर आप परमेश्वर के करीबी में चलते हुए सर्वसामर्थ्य ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, what all the things you have to do? If you read Leviticus chapter 26 verse 3, अगर आप लेविवस्था 26 उसके वचन 3 को पढ़ें, Lord says, वह प्रभु कहता है, walk in my statutes and keep my commandments. मेरी आज्ञा के अनुसार से चलो और मेरी व्यवस्था का पालन करो. Same thing we read in Psalm 1 verses 2 and 3. यही चीज हम भजन और 2 और 3 में पढ़ते हैं. Read the word of God night and day. परमेश्वर के वचन को रात दिन पढ़ें. Night and day. रात और दिन पढ़ें. Night and day. रात और दिन पढ़ें. Why I am working for the Lord at this age, you know? इस उम्र में भी मैं क्यों आज परमेश्वर के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ क्या आप जानते हैं? Early morning 4:30 I get up. हर एक भोर को मैं 4:30 उठ जाती हूँ. Go to my room. अपने कमरे में जाती हूँ. Read the word of God. परमेश्वर का वचन पढ़ती हूँ. So sweet. वो बहुत ही मधुर है. Like honey. मधु की तरह. And mark all the important points. और सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को मार्क कर. Memorize the important promises of God. और परमेश्वर के महत्वपूर्ण प्रतिज्ञाओं को याद करते हैं. फिर प्रार्थना करती. Oh, what a glorious time it is to spend at the feet of God. परमेश्वर के चरणों में समय बिताना कितनी महिमा का समय है. You also do the same thing. आप भी बिल्कुल वही करें. Don't say, oh, I have this problem. I can't fast. I can't sleep. I can't do. Oh, all the time groan. और आप कभी भी ऐसा न कहें कि वो मुझे ये तकलीफ है, मुझे बीमारी है और उपवास में तकलीफ है. God is not at all interested in your life. परमेश्वर आपके जीवन में कोई भी रुचि नहीं रखता. If you are not interested in reading God's word, अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने में रुचि नहीं रखते, and sleeping, और सो रहे हैं, God will not be interested in your life too. तब आपके जीवन में भी ईश्वर कोई रुचि न रखेगा. Read the word of God. परमेश्वर के वचन को पढ़ें. And the Lord will make you a fruitful vine tree. तब प्रभु आपको एक फलवंत दाख लता की तरह बनाएगा. You will be like the tree planted by the rivers of water. आप उस वृक्ष के समान होंगे जो कि बहते नाली के किनारे लगाया जाता है. God will use you mightily. परमेश्वर आपको सामर्थ के साथ काम बनाएंगे. See the life of Abraham. अब्राहम के जीवन को देखें. Genesis 18:19. अगर आप उत्पत्ति 18:19 को पढ़ें. He will command his children and his household after him that they keep the way of the Lord to do righteousness and justice. वो अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें. Yes, my sister. हाँ मेरी बहन. As a family member. एक परिवार के सदस्य के रूप में. Are the important person in the family as a mother. या खास करके परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य माँ के रूप में. The more you spend time in reading God's word. जितना ज्यादा समय आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने में बिताएंगी. Your home will be blessed. आपका परिवार उतना आशीषित होगा. Home will be blessed. आपका घराना आशीषित होगा. No in-laws problem. सास ससुर की समस्या न होगी. No peacelessness. और कोई अशांति न होगी. No injustice. कोई अन्याय न होगा. No misunderstanding. कोई गलत फहमी न होगी. God will fill your home with his presence. परमेश्वर अपनी उपस्थिति से आपके घर को भर देगा. Do you want such a home? क्या आपको ऐसा घर चाहिए? Start reading God's word in the morning. तो आप भोर को परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करें. And if you look unto him through prayer, और अगर आप प्रार्थना में उसे निहारेंगे, by honoring his word, उसके वचन को आदर देते हुए, and trembling at the word of God, और परमेश्वर के वचन से थरथराते हुए, God will be pleased with you. वो आपसे खुश होगा. Oh my daughter. ओ मेरी बेटी. Oh she is precious to me. वो मेरे लिए अनमोल है. She is precious to me. वो मेरे लिए बहुत ही अनमोल है. Then you'll see your life. तब आप अपना जीवन देखेंगी. How it goes up and up and up. कैसे वो ऊपर और ऊपर उठता चला जाएगा. Not only reading the word of God. ना केवल परमेश्वर के वचन को पढ़ना. Memorizing the promises of God. लेकिन परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को याद करना. You have to claim them. और उन्हें दावा करना है. Read Jeremiah 29:13. अगर आप यिर्मयाह 29 और उसके वचन 13 को पढ़ेंगे. When you seek him in prayer. जब आप उसे प्रार्थना में ढूंढेंगे. All your heart. अपने पूरे हृदय के साथ. Open your heart widely. तो आप अपने हृदय को उसके लिए खोलें. Pouring out your heart. At the feet of God. और परमेश्वर के चरणों में आप उसे खोल दें. You will find Jesus. तो आप यीशु को पाएंगे. When you pray. जब आप प्रार्थना करें. You'll see Jesus. आप यीशु को देखेंगे. Even today. आज भी. Not said before coming. प्रभु ने यहाँ आने के पहले कहा. They will see Jesus. वे यीशु को देखेंगे. During prayer time. प्रार्थना के समय. Message time. संदेश के समय. People will be filled with the glorious Holy Spirit. लोग महिमावान पवित्र आत्मा से भर जाएंगे. They will see me. वे मुझे देखेंगे. They will see me. वे मुझे देखेंगे. Yes, when you pray also. जब आप भी प्रार्थना करें. At home.
घर में। You can see Jesus. आप यीशु को देख सकते हैं। You can feel the presence of God in a mighty way. आप महिमावान रूप से परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। Psalm 5:3 says. भजन संहिता 5:3 कहता है। When you pray like that. जब आप ऐसा प्रार्थना करें। You can hear the Lord's words. तो आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकेंगे। Voice of the Lord. परमेश्वर की आवाज सुनेंगे। He'll tell you. वो आपसे कहेगा। What you have to do. क्या आपको क्या करना है? Hallelujah. Hallelujah.